बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अक्सर सुर्खियों में छाई रहती हैं। वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव देखी जाती हैं और अपनी फोटोज़ और वीडियो शेयर करती रहती है। इसी बीच सोनाक्षी सिन्हा को कुछ मुश्किलों में घिरा हुआ देखा गया है। आपको बता दें, एक्ट्रेस पर धोखाधड़ी के एक मामले के चलते गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। ये मामला लगभग 4 साल पुराना है। आपको बता दें कि ये मामला तब का है जब 4 साल पहले दिल्ली में आयोजित एक इवेंट में सोनाक्षी सिन्हा नहीं पहुंची थी। इसी मामले के चलते एक्ट्रेस के खिलाफ मुरादाबाद की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। एक्ट्रेस को 25 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना है। वह इस मामले में सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ फरवरी साल 2019 में FIR दर्ज की गई थी। ये मुकदमा दर्ज होने के बाद एक्ट्रेस अपना बयान दर्ज कराने 14 अगस्त 2019 को मुरादाबाद भी गई थी और वहाँ के एक होटल में 2 घंटे रुककर वहाँ अपना बयान दर्ज उन्होंने करवाया था। वही शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया था कि उन्होंने इस इवेंट में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को बतौर चीफ गेस्ट आने के 37 लाख दिए थे। रकम लेने के बाद इवेंट में ना आने के चलते एक्ट्रेस पर मामला दर्ज हुआ है। वहीं इसी के साथ अब एक्ट्रेस को 25 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना है।